नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। मैं हूं आपके साथ सुरेखा थापल। आइए उत्तराखंड की बड़ी खबरों की तरफ रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। गंगा में विसर्जित हुई मां भारती के महायोद्धा बिपिन रावत की अस्थियां दोनों बेटियों ने निभाई ली। सेना को मिले 319 जंबाल। राष्ट्रपति ने सीधे बिपिन रावत को याद कर कहा, हमेशा ऊंचा रहेगा तिरंगा। मंगलौर इकबालपुर रोड पर हुई एक्सीडेंट में दो युवकों की मौत, परिजनों ने किया मंगलौर इकबालपुर मार्ग जाम। प्रसव के लिए लाई गई महिला को रेफर करने के बाद बच्चा मृत पैदा होने से परिजनों ने चिकित्सालय में लापरवाही का आरोप लगाते हुए किया हंगामा। फर्जी ट्रैवल एजेंसी के नाम पर ठगी का आरोप, दिल्ली का एक व्यक्ति गिरफ्तार। सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियां हरिद्वार वीआईपी घाट पर गंगा में विसर्जित कर दी गई है। बिपिन रावत की दोनों बेटियों ने अस्थियां गंगा में विसर्जित की। इससे पहले सैन्य सम्मान के साथ अस्थि कलश हरिद्वार लाए गए। आपको बता दें कि बिपिन रावत का तमिलनाडु के कन्नूर में 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था। बहुत दुखद घटना है, अपूरणीय क्षति हुई है। पूरा देश आज गमगीन है। असामयिक हमको सबको छोड़ के चले जाना, देश के चारों कोनों में आज आप देख रहे हैं कि लोग बहुत ही दुखी हैं। आज उनकी अस्थि का विसर्जन यहाँ हरिद्वार में हो रहा है। मैं स्वयं यहाँ पर उपस्थित हूँ। उत्तराखंड देवभूमि, यहीं से इसी मिट्टी में वो पले बड़े हैं, तो देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी जबरदस्त शोक की लहर है। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकेडमी में कुल 387 जेंटलमैन कैडेट आज पास आउट हुए। इनमें से 319 भारतीय कैडेट पास आउट होकर बतौर लेफ्टिनेंट थल सेना में शामिल हुए। वहीं 8 मित्र देशों के 68 कैडेट्स भी पास आउट होकर अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सीडीएस बिपिन रावत को भी पीओपी के मौके पर याद किया। दिनेशपुर के गुलरबोध क्षेत्र में पहली बार जैविक तरल वेस्ट डिकम्पोजर खाद के प्रयोग से तैयार काला धान और काला नमक धान की फसल आईजी पूरन सिंह रावत ने अपने फार्म में किया है, जिसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस चावल से कई तरह के मेडिसिन बनते हैं और बहुत ही ज्यादा खुशबूदार स्वादिष्ट चावल है तथा शुगर के साथ साथ कई अन्य बीमारियों से छुटकारा भी पा सकते हैं। और इसकी खेती करने से किसानों को भी बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि मार्केट में इसकी कीमत लगभग 160 रुपये प्रति किलो है। बीती कल शाम मंगलौर इकबालपुर रोड पर हुई एक्सीडेंट में दो युवकों की मौत से परिजनों ने किया था मंगलौर इकबालपुर मार्ग जाम। पोस्टमार्टम के बाद आज इकबालपुर चौके के बाहर परिजन और ग्रामीण ने शव रखकर किया जाम। परिजनों के अंदर क्षेत्र विधायक देशराज कंडवाल और उनकी पत्नी के खिलाफ भारी रोष। परिजनों ने 10-10 लाख रुपए मुआवजे की और क्षेत्र विधायक को मौके पर बुलाने की रखी मांग। पुलिस और अपर उप जिलाधिकारी विजयनाथ कुंथी भी मौके पर पहुंचे। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय उत्तरकाशी में मतदाता जागरूकता अभियान, नोडल अधिकारी डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह परमार ने स्वीप कार्यक्रम के तहत स्नातक के छात्र छात्राओं को जागरूक किया एवं फॉर्म 6, 7, 8 के बारे में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से मतदान संबंधित जानकारी से अवगत कराया। इस अवसर पर महाविद्यालय स्वीप कोऑर्डिनेटर डॉक्टर परमार ने विद्यार्थियों को निर्वाचन प्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी देने के साथ ही वोटर लिस्ट में सभी वोटरों का पंजीकरण सुनिश्चित किए जाने और मतदान के प्रति मतदाताओं को खासतौर पर दिव्यांग युवा महिलाओं को जागरूक करने के बारे में चर्चा की। निर्वाचन में शामिल विद्यार्थियों को जिम्मेदारी देते हुए कहा कि 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष उम्र पूरा करने वालों को प्रेरित कर उनके फॉर्म भरवाने के साथ अपने गांव और शहर के लोगों को मतदाता बनाने के लिए प्रेरित करना होगा। साथ ही मतदान के दिन अधिक से अधिक लोगों को बूथ पर जाकर मतदान करने के लिए भी प्रेरित करना होगा। उन्होंने वोटर पोर्टल पर वोटर हेल्पलाइन के बारे में बताया कि इन सभी माध्यमों पर निर्वाचन से संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध है। इस माध्यम से वोटर हेतु ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। प्राचार्य प्रोफेसर सविता गैरोला ने भी सभी छात्र छात्राओं को सच एवं स्वतंत्र मतदान हेतु प्रेरित किया, साथ ही युवाओं को मतदान में अपनी सहभागिता के लिए अवश्य जानकारी साझा की। तमिलनाडु के कन्नूर हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस बिपिन रावत सहित उनकी पत्नी और 11 अन्य लोगों की मौत पर 7 बच्चों के केंद्रीय स्थल गजा में क्षेत्र के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत के नेतृत्व में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूरे देश के लिए और विशेषकर उत्तराखंड के लिए तो बहुत बड़ी पीड़ा का दिन है कि आज हमारे बीच में हमारे देश के सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी नहीं रहे। हम पूरे नरेंद्र नगर की ओर से, पूरे
अपने इस टिहरी गढ़वाल की ओर से, उत्तराखंड की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि स्वर्गीय बिपिन रावत जी को और उनके साथ जो अन्य हमारे सैन्य अधिकारी और जो सैन्य कर्मी शहीद हुए हैं उनको भी जो है श्रद्धांजलि देते हैं। स्वर्गीय बिपिन रावत जी की पत्नी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और बहुत दुख हम सब लोगों को हो रहा है कि हमने एक होनहार, सबसे ताकतवर, उनका लोहा हमारा एक दुश्मन देश ही नहीं बल्कि पूरे अन्य दुश्मन देश भी जो है उनसे घबराते थे, उनकी जो क्षमताएं थी जो है सेना को कंट्रोल करने की उनसे जो है अन्य जनरल भी, अन्य देशों के जनरल भी घबराते थे। हमें बहुत पीड़ा हो रही है उनके जाने की। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में जो है जगह दे, उनके परिवार को और अन्य जो हमारे सैन्य अधिकारी जो शहीद हुए हैं उनके परिवार को इस दुख की घड़ी को सहने की जो है क्षमता करे और उनका योगदान पूरा देश जो है हमेशा उनका जो रहा है उसका ऋणी रहेगा। इन्हीं विनम्र शब्दों के साथ अपने संवेदना व्यक्त करते हैं उन परिवार के साथ, उन शहीदों की फैमिली के साथ। इन्हीं शब्दों के साथ उनको जो है भगवान अपने श्री चरणों में जगह दे। शहीद जनरल बिपिन सिंह रावत को श्रद्धांजलि माया देवी प्रांगण में जूना अखाड़ा के संतों ने किया शांति हवन। उत्तराखंड में भव्य शहीद धाम और स्मारक बनाने की करीब मांग, बड़ी संख्या में संत रहे मौजूद। रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय प्रसव के लिए लाई गई महिला को रेफर करने के बाद बच्चा मृत पैदा होने से परिजनों ने चिकित्सालय में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। परिजनों के साथ बसपा कार्यकर्ताओं ने मृत बच्चे को गेट पर रख धरना देकर चिकित्सालय के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें कि रामनगर के सुंदरखाल गाँव की रहने वाली दीपा देवी पत्नी वीरेंद्र कुमार गर्भवती थी। गर्भवती महिला रोजाना अपने चेकअप के लिए रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय में लगातार चेकअप के लिए आ रही थी। शुक्रवार को भी वह चिकित्सालय आई तो महिला चिकित्सक ने चेकअप के बाद ऑपरेशन के लिए उसे एक सप्ताह बाद की डेट दे दी। घर जाने पर शाम को महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो परिजनों द्वारा उसे तुरंत ही रामनगर के संयुक्त चिकित्सालय लाया गया, जहां संयुक्त चिकित्सालय के डॉक्टरों द्वारा महिला को आगे ले जाने को कहा गया। परिजनों द्वारा जब महिला को रामनगर के पिरुमदारा में दूसरे निजी अस्पताल में ले जाया जा रहा था तो महिला को नॉर्मल तरीके से बच्चा हो गया, लेकिन बच्चा मृत था। इसके बाद महिला के परिजन मृत बच्चे को लेकर चिकित्सालय पहुंचे। इसके बाद बसपा नेता हेम भट्ट भी अपने कार्यकर्ताओं संग चिकित्सालय पहुंच गए। वहां परिजनों संग चिकित्सालय के बाहर धरने पर बैठ गए। ये कई महीनों से यहाँ पर सिलसिला चल रहा है। यहाँ पर कई मौतें हो गई प्रसव के पीड़ा के वजह से और हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से। अगर हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है, जब बच्चा पेट में घूम रहा है कहाँ है किस स्थिति में है अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा। जब यहाँ अल्ट्रासाउंड ही नहीं है तो ये गढ़वाल और कुमाऊँ का मुख्य द्वार है और इसको रेफर सेंटर बना दिया गया और ये अच्छा खासा सरकारी हॉस्पिटल चल रहा था, आज प्राइवेटाइजेशन के बाद ये हाल है। आज बहुजन समाज पार्टी हमारे सारे यहाँ पर कार्यकर्ता आए हुए हैं और हम इसका घोर विरोध करते हैं और इसकी जांच की मांग करते हैं, मुकदमा कायम करवा दें, क्योंकि ये एक गरीब महिला है और ये सुंदरखाल में रहती है, दीपा नाम इनका है, और मैं इनको न्याय दिलाने के लिए हमारी पूरी यहाँ रेवीराम जी वगैरह हमारे सारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता आए हुए हैं। हम इस हॉस्पिटल के खिलाफ यहाँ पर जो है अगर जाँच नहीं हुई, न्याय हमें नहीं मिला तो कल परसों से जैसे न्याय नहीं मिलता है तो तुरंत हम धरने पर बैठेंगे, अनशन में बैठेंगे। सर ये आज सुबह जब ये नौवा महीना था मेरी घरवाली को, लास्ट महीना चला था नौवा मतलब, तो इनने आज सुबह जब वो यहाँ उसके लिए आई थी जाँच के लिए आई थी तो इन्होंने उसको कहा था कि मतलब 15 तारीख की डेट दी थी कि ऑपरेशन से बच्चा होगा। मतलब पहले इन्होंने हमको अल्ट्रासाउंड 9 महीने का हुआ था कहा था कि 9 महीने में मतलब इसको मतलब बच्चा ऑपरेशन से ही होगा ये कहा था। तो ऑपरेशन का मैं यहाँ आज चेकअप के लिए लाया तो इन्होंने कहा कि ठीक है बच्चा को आप वो चेकअप करा उन्होंने, उन्होंने कहा ठीक है तो 5 दिन बाद इसका ऑपरेशन होगा। उसके बाद मैं बच्चे को घर ले गया तो घर ले जाने के बाद बच्चों को मैं जब घर ले गया वाइफ को तो वहाँ पर वाइफ की भी तबीयत हालत ज़्यादा ख़राब होगी, फिर मैंने उसको सीधा हॉस्पिटल लाया। 4:30 बजे मैं हॉस्पिटल पहुँचा तो हॉस्पिटल में इन्होंने कहा कि ना यहाँ तो अभी कुछ नहीं हो पाएगा, यहाँ हमारे पास कोई सुविधा नहीं है और हम इसको आपको रेफ़र कर दिया बाहर के बाद बाहर दिखाओ बाहर कराओ। तो फिर मैं इसको ज़्यादा उस घरवाली की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो मैं यहाँ से मैं काशीपुर ले जा रहा था, काशीपुर में नहीं हो पाया तो ये फिरमोदारा में ही मैंने ज़्यादा हालत ख़राब हो गई तो मैं फिरमोदारा में ही करवाया मैंने वो हॉस्पिटल में प्राइवेट हॉस्पिटल। डिलीवरी कहाँ हुई वहाँ डिलीवरी भी वहाँ होगी, डिलीवरी क्या हुई बच्चा खुद में खुद बाहर आ गया, जबकि उन्होंने कहा था कि
ऑपरेशन होगा, ये होगा, आधा आधा हड़ता अंदर था, तो उन्होंने फिर वहाँ से फिर मरा ही बच्चा ही बाहर निकला। तो इनकी लापरवाही सर बताना चाहिए ना कि कम से कम तुम्हारे अल्ट्रासाउंड नहीं होता, अगर कोई चीज़ ऐसी होती तो कम से कम पता तो लगता कि बच्चा कैसा है, क्या है, कैसा करना है। कोई ना कोई तो हमको देते ना कि भाई राहत तो मिलता कम से कम मरीज को किसी को। ये तो आज मेरे साथ, कल कई भाई है ऐसे, कई हुए हैं उनके साथ तो ऐसे हुआ। तमिलनाडु कन्नूर जिले में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन से पूरे देश सहित उत्तराखंड में भी शोक की लहर है। देश भर में लोग शहीद बिपिन रावत को अपनी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसी के चलते दिनेशपुर के चक्की मोड़ में भी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पूरे देश की आन बन शान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत व उनके साथ शहीद हुए सभी सैन्य अधिकारियों को नम आंखों से श्रद्धांजलि देते हुए ईश्वर से शहीदों की पवित्र आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना के दौरान सैनिक परिषद के सदस्य एवं पूर्व सैनिक लीग के जिलाध्यक्ष खड़क सिंह कार्की ने कहा कि तमिलनाडु में जो घटना घटित हुई है वे बेहद दुखदायी है, जिससे पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। आज देश में एक ऐसा योद्धा खोया है जिसकी भरपाई करना नामुमकिन है, तथा सभी पूर्व सैनिकों के साथ साथ जनता ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत व उनके साथ शहीद हुए सभी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। भारत ने एक ऐसा योद्धा खोया है जिसकी भरपाई होना भी नामुमकिन लगती है। जनरल बिपिन रावत जी के साथ जितने भी उनके साथ में इस दुर्घटना में काल के ग्रास में गए हैं, आज चक्की मोड़ के इस पवित्र स्थल पर सभी पूर्व सैनिक और जनता ने यहां पर श्रद्धांजलि दी है। बिपिन रावत जी के जाने के बाद उत्तराखंड की इस देवभूमि जो परिकल्पना उन्होंने की थी वह मैं समझता हूँ वह अधूरी रह गई है। जो अपने प्राणों की आहुति दी है इस देश के लिए, यह स्मरणीय, इसके लिए कोई हमारे पास शब्द नहीं है। अंत में यही कहूँगा कि उनके आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को बल मिले, और यही हम पूर्व सैनिकों की तरफ से, क्षेत्र के तमाम आदमी की तरफ से यही हमारी शक्ति श्रद्धांजलि होगी। उत्तरकाशी आपदा को 8 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज तक जनपद की 80 गंगा घाटी के जख्म नहीं भर पाए हैं। 80 गंगा घाटी के करीब 10 गांव और विश्व प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थल डोडीताल को जोड़ने वाली गंगोरी डोडीताल मोटरमार्ग अपनी बदहाली के आंसू बहा रही है। ग्रामीणों ने कई बार शासन और प्रशासन को इस संबंध में अवगत करवा दिया गया है, लेकिन कोरे आश्वासन के अलावा कुछ नहीं हासिल हो पाया। अब ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को लिखित देकर जल्द बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। क्षेत्र पंचायत सदस्य अगोड़ा अनुज पवार का कहना है कि यह सड़क मार्ग डोडीताल को जोड़ता है, जो कि धार्मिक और पर्यटन दृष्टिकोण से विश्व विख्यात है, लेकिन सड़क की बदहाली के कारण क्षेत्र के पर्यटन पर भी बुरा असर पड़ रहा है। 2012-13 की जो आई थी बाढ़, उस समय से आज तक इस रोड पे कोई भी काम नहीं किया गया है, क्योंकि जबकि ये एक पर्यटन को जो डोडीताल पर्यटन को जोड़ता है, और ये जो ग्राम सभा घोड़ा है वो पर्यटन के क्षेत्र में उसका भी चयनित किया गया था, लेकिन जो ट्रैकर जो एक बार आता है वो दोबारा आने की, इस रोड की कंडीशन को देख के दोबारा आने को तैयार नहीं होता है। और जो विभाग ने जो एक ही ठेकेदार को गंगोरी से लेकर गजोली तक एक ही ठेकेदार को काम दे रखा है, जबकि उनको भी पता है कि काफ़ी समय से ये ठेकेदार काम नहीं कर रहा, और जबकि इनको भी ब्लैक लिस्ट किया गया, और शासन के द्वारा हमें तो बता दिया जाता है कि इनको ब्लैक लिस्ट किया गया, लेकिन इनको तो काम बार बार मिला जा रहा है, जबकि ये कहीं पे भी काम नहीं करता। और 2-3 दिन के बाद हमारे धरना प्रदर्शन था, इन्होंने क्या किया कि हमको देखने के लिए, ताकि ये लोग धरना पे ना बैठे, इन्होंने कहीं कहीं पे 4-4 लोगों को टीम बना के सिर्फ एक नाली टाइप की खोदने के लिए इन लोगों ने लगा रखा है। ना इनके पास कोई औजार है, ना इनकी साइड पे कोई जेई खड़ा है कि किस टाइप से रोड की कंडीशन, और रोड की कंडीशन इतनी ख़राब है कि जगह जगह पे कहीं पे भी गड्ढे हैं, और पानी जो इन लोगों ने नाली बना रखी है वो पानी सीधा रोड के ऊपर आ रहा है, और अभी तक कहीं पे भी पेंटिंग नहीं हो रखा है। जनपद अल्मोड़ा में फर्जी ट्रैवल एजेंसी के नाम पर भिकियासैन निवासी एक व्यक्ति को साइबर ठग ने 34,000 रुपए का चूना लगा दिया। पुलिस ने पूछताछ कर आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया। अल्मोड़ा जिले के भतरौत खान पुलिस ने बताया कि भिकियासैन निवासी मिथिलेश बिस्ट ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि पिछले माह नवम्बर में उन्होंने बाहर घूमने को मन बनाया और नेट में इसके लिए सर्च किया। इस पर टूर बाई नेचर नाम की एक एजेंसी का अंडमान निकोबर टूर का पता चला। सस्ता पैकेज होने
होने से उन्होंने इसमें बुकिंग कराई। एजेंसी के प्रतिनिधि के कहने पर उन्होंने 2 किश्तों में 34,000 रुपये एजेंसी के खाते में डाल दिए, लेकिन इसके बाद संबंधित एजेंसी से संपर्क नहीं हो सका। इस पर जुलाई 2021 को उन्होंने थाना भतरौंज खान में इस मामले में शिकायत दर्ज कराई। एसएसपी पंकज भट्ट के निर्देश पर इसके लिए बीकेएसएन चौकी प्रभारी ओम प्रकाश नेगी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। सर्विलांस के आधार पर दिल्ली रवाना किया गया था। साइबर सेल की मदद व बैंक डिटेल के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवक को दिल्ली से दबोच लिया। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में केवल इतना ही। बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ, देखते रहिए पहाड़ टीवी। धन्यवाद। है बेखौफ उम्मीद का रंग, आस्था भी, ये है मेरा उत्तराखंड।